रूस ने जब से ब्लैक सी अनाज डील तोड़ी है तब से ही पुतिन की सेना ब्लैक सी और क्रीमिया से यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर ओडेसा पर हमले सबसे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि यही बंदरगाह यूक्रेन को ब्लैक सी से जोड़ता है और रूस चाहता है कि ओडेसा पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि यूक्रेन से अनाज की सप्लाई अन्य देशों को ना हो पाए। एक आंकड़े के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 19 और 20 सितंबर की आधी रात को कम से कम 38 मिसाइल हमले किए हैं। इनमें से यूक्रेन 18 हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ऐसी थी जिसके आगे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ और वह मिसाइल क्रीमिया से यूक्रेन के आसमान को चीरती हुई ओडेसा पर जा गिरी। जिस मिसाइल को लेकर यह दावा किया जा रहा है उसका नाम है P-800 ओनिक्स। यह 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और जब यह टारगेट से करीब पहुंचती है तो पानी से इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो जाती है और यही वजह है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को मार नहीं पाया। लेकिन यहाँ एक और ऐसी बात है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और वो बात यह है कि इस P-800 ओनिक्स मिसाइल का भारत से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपने इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर बनाया है और ब्रह्मोस मिसाइल रूस की P-800 ओनिक्स और अखंड मिसाइल का ही एक वर्जन है। यूक्रेन युद्ध में इन दोनों ही मिसाइलों ने कहर बरपाया हुआ है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही दुश्मन पाताल में ही क्यों न छुपा वह इस मिसाइल के निशाने से बच नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल को जलजले का दूसरा नाम ऐसे ही नहीं कहा जाता बल्कि यह न सिर्फ जमीन पर टारगेट को तबाह करती है बल्कि यह एंटी शिप मिसाइल भी है और इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ये मैक 2 यानी ध्वनि की गति से करीब 3 गुना रफ्तार से हवा में उड़ान भरती है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लॉन्चिंग के बाद इस मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार टारगेट पर ब्रह्मोस को दाग दिया गया तो यह बिना रुके सीधा लक्ष्य को तबाह करके ही आती है, यानी दागो और भूल जाओ के नियम पर यह मिसाइल चलती है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ताकतवर है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इसके सामने टिक नहीं सकता और यही वजह है कि दुनिया के 6 देश इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, UAE, सऊदी अरब और ओमान ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। वहीं चीन का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल का जनवरी 2022 में एक बड़ा सौदा किया था। आपको बता दें कि यह मिसाइल इतनी भयानक है कि हवा में ही अपने टारगेट को यह तबाह कर सकती है। इसके अलावा यह चलते फिरते टारगेट को भी मिट्टी में मिला देती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है और इसकी रफ्तार 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच सकती है। इसके अलावा यह मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड भी ले जा सकती है और यही वजह है कि रूस के P-800 ओनिक्स मिसाइल ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि रूसी P-800 ओनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस का एक पुराना वर्जन है, यानी ब्रह्मोस और P-800 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर इसका लेटेस्ट वर्जन होने के कारण ब्रह्मोस इससे कहीं बेहतर है। P-800 को रूस में बनाया जाता है और यह अब भी वहीं पर बनती है। हमेशा से ही रूस को ब्रह्मोस के लिए एक बड़े मार्केट के रूप में देखा जाता है। अगर रूस ने इसे खरीद लिया होता तो उसके पास मौजूदा स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी मिसाइलें हो जाती। यूरोप में चल रहे हालात बेहतर होने के बाद हमें रूस से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कुछ ऑर्डर भी मिल सकते हैं। उनके पास ब्रह्मोस जैसी कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं है। हवा में लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल जैसी दुनिया में कोई भी मिसाइल नहीं है। जब यूक्रेन के ओडेसा में रूस के P-800 ने तबाही मचाने शुरू कर दी तब कई नेटो के डिफेंस एक्सपर्ट ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि रूस के इस हमले के पीछे ब्रह्मोस मिसाइल हो। लेकिन बाद में फिर रूस ने कहा कि हमने अभी तक भारत से ब्रह्मोस नहीं खरीदा है, लेकिन हो सकता है कि हम जल्द ही ब्रह्मोस को खरीद लें। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर रूस ब्रह्मोस खरीदना चाहे तो क्या रूस को ब्रह्मोस देना चाहिए या फिर इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।